कर्म ते कबू न टरो जन को अब जू। आज असी पहुंचे हैं पिंड धारीवाल तहसील पट्टी जिला तरन तारण जिथे के बाबा सिद्ध भोए जी का स्थान मौजूद है। धारीवाल गोल के लोग बड़ी श्रद्धा भावना इस स्थान की सेवा संभाल करते हैं। बाबा जी का इतिहास इस प्रकार है। लोगों के दस मुताबक पुरातन काल दे विच मानसे जिले के पिंड तो उठ के लोग इस जगह धारीवाल आ के धारीवाल गोद के लोग वसे सन। अरे इस तो पहला का इतिहास बाबा जी का इस प्रकार है। शहीद बाबा सिद्ध भोए जी का जन्म सन 1196 ईस्वी में पिंड धौला जिला मानसा में होया। आप जी के पिता का नाम सूरा और माता का नाम रूपा राणी सी। उस समय ते पंजाब विच मुगलों की हुकूमत से मुगल रजवाड़े हिंदुओं ते बहुत सारे जुल्म करते सन। हिंदू भाईचारा उन्होंने जुल्मों से बहुत प्रभावित सी। उन्होंने तंग करने लिए वो गऊ हत्या करते वक् वक् थावां ते बिछड़खाने बनाए। बाबा सिद्ध भोए जी धार्मिक व्यक्ति वाले सन अते नाल नाल वो योधे भी सन। वह गऊ गरीब की रक्षा करते सन। उस समय चार जोरू और जमीन कार राजे के आपस के लड़ाई अक्सर होंगी रही सी। राजा जगदाऊ एक चंगा राजा सी, हक सच से पहरा देने वाला सी। उसके गुआढ़ी राजे जयचंद तक्कड़ ने चिट्ठी लिख के राजा जगदाऊ ने कहा कि अपनी बेटी का विआह उसके नाल कर दे, नहीं तो वह उसके राज का खात्मा कर देगा। उस समय राजा जगदाऊ ने लोगों ने सलाह दी कि जेकर बाबा सिद्ध आप जी की मदद करते हैं तो लड़ाई में जितनी आप जी जित होगी। होया भी इस तरह बाबा सिद्ध जी बाबा राजा जगदाऊ की मदद की वह जित गया। एक बार पिंड धौला आ रहे संत रस्ते झनीर पिंड लागे झिड़ी एक संघ ने जंगल सन। बाबा जी ने देखा कि बुचड़खाने की गौं से दुष्चर किया जा रहा है। उन्होंने रोकने की कोशिश की तो अगों उन्होंने रजवाड़ ने बाबा जी ते हमला कर दिता। इस लड़ाई दे विच उन्होंने नाल पंडित अते मरासी मौजूद सन। पंडित तो थोड़ी देर बाद उतों भज गया लेकिन मरासी ने उन्होंने पूरा साथ दिता। बाबा जी उन्होंने बुचड़खाने के अधिकारियों विरुद्ध जबरदस्त युद्ध किया। लड़ाई करते करते ਹਰਿਆਣਾ ਟਿੱਬੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਆਪ ਸਿਰ ਕੱਟੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਝਿੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਧੜ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਉਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।